हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ मी शुभम शर्मा। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने एक कोड 55 के लिए लेबर लॉज और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड एक कोर्स लॉन्च किया है, राइट। और उसके लिए आपको एक अलग से ऐप लॉन्च किया है आपके लिए, तो हम जितनी भी स्टडीज़ करेंगे वो सभी उसी ऐप पे रहेंगी, ठीक है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि उस कोर्स में आपको जितना भी लेबर लॉज से रिलेटेड जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा वहाँ पे मैं करवाऊँगा खुद, ठीक है। लाइव सेशंस लूँगा ऑब्वियसली, और उसमें PYQ एनालिसिस भी करवाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, है ना। और हर एक टॉपिक के बाद मॉक क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट रहेंगे, डाउट सेशंस रहेंगे ऑब्वियसली, एंड मेंटरिंग रहेगी। कुछ भी स्टडी से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आराम से पूछ सकता है, कोई ऐसा इशू है नहीं, ठीक है। सो दिस इज़ द फीचर्स ऑफ दिस कोर्स। और मैंने ये भी कहा था कि आपको इस कोर्स के बाद कुछ भी एक्स्ट्रा अपने से पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस था वो ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेरीज की हैं, कि कुछ डाउट्स थे उनके, तो मैं 3-4 क्वेश्चंस की फॉर्म में उन डाउट्स को क्लैरिफाई कर रहा हूँ बाकी बच्चों के लिए भी। जैसे कि पहला डाउट था कि सर, ये जो आपने कोर्स अभी लॉन्च किया है, क्या यह जून और जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है, क्या उसके लिए भी है, है ना, क्या वहाँ तक ये हो जाएगा? तो यस, ऑफ कोर्स हो जाएगा। एक्चुअली कोर्स लॉन्च ही जून और जुलाई में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए किया गया है, ठीक है। तो हमारे पास 2 महीने हैं, है ना, आराम से हम 2 महीने में ये पूरा सिलेबस करेंगे और विद रिवीजन करेंगे। जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ चुके हैं उनको पता है कि मैं क्लास में ही चीज़ें रिवाइज करवा देता हूँ आपको। अगर इन केस फॉर एग्जांपल क्लासेस के बाद खुद से पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं क्लास में खुद रिवाइज करवाता हूँ चीज़ों को, तो वो टेंशन आप छोड़ दो, याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। दूसरा कि क्वेश्चन था कि यार क्या हमें PDFs मिलेंगी? ऑफ कोर्स मिलेंगी यार, आप पे कर रहे हो, है ना, तो अब PDF ज़रूर मिलेंगी आपको, ठीक है। तीसरी चीज़ की सर हम क्या स्ट्रेटजी बनाएं तैयारी के लिए, तो आपको कुछ स्ट्रेटजी नहीं बनानी है, बस आपको मेरी क्लासेज अटेंड करनी है, दैट्स इट, ठीक है। मैंने पहले ही भी कहा है आपको खुद से कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक कंडीशन है आपको, जितनी मेरी क्लासेज हैं वो सभी अटेंड करनी है, ठीक है। दिस इज़ द थिंग दैट आई ओनली रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, राइट। और लास्ट क्वेश्चन था कि सर ये जो कोर्स है कि ये रिसेंट ट्रेंड्स के हिसाब से है? यस, डेफिनेटली जिस तरह के अभी रिसेंट पेपर आ रहे हैं, थोड़ा सा जो ट्रेंड चेंज हुआ है एज़ कम्पेयर टू अगर आप पिछले 3-4 साल से देखो, तो अभी थोड़ा थोड़ा ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है ना, तो ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ डाउट्स थे, आई थिंक मतलब अगर किसी के कुछ और डाउट्स होंगे तो डेफिनेटली आप ऐप डाउनलोड करो, अनस्टॉपेबल एजुकेशन के नाम से आपको एंड्रॉयड में मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पर ऐप डाउनलोड करो और जो है वो आपके अगर कोई और डाउट्स भी हैं तो आप डायरेक्टली मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और जो अभी तक डाउट्स थे वो मैंने आई थिंक क्लियर कर दिए होंगे, तो अब कोई और डाउट होगा तो वहाँ पे मुझे मैसेज करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। सो एज आई सेड कि पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए मैंने इसको बिल्कुल हाफ प्राइस पे रखा है, दैट इज़ 3999, ठीक है, जिसमें कि मैं हर एक चीज़ करवाऊँगा, उसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोर्स में। 22 अप्रैल से ये स्टार्ट हो रहा है रात को 9 बजे, तो आइए और हम जून और जुलाई में जो एग्ज़ाम होने वाला है इसको इकट्ठे मिलकर क्रैक करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।